अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सरदार उसामा, सेल मैनेजर अबुजा स्टेट डीएचए कराची। आज की वीडियो में जो बंदा कराची में प्रॉपर्टी परचेज करना चाहता है या उसका ये प्लान है कि कुछ प्लॉट्स लेके बच्चों के लिए होल्ड कर लें 5-10 साल के लिए, तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कस करूँगा। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि हम काफ़ी टाइम से 2018 से इस प्रोजेक्ट में डील कर रहे हैं और डे बाई डे आप लोगों को अपडेट्स भी देते रहते हैं। आज बात करूँगा MDA स्कीम 1, न्यू मलिर हाउसिंग स्कीम 1 जिसे कहा जाता है, और MDA का प्रोजेक्ट है, मलिर रेतन अथॉरिटी का प्रोजेक्ट है। इसमें 100, 200 और 400 गज के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। अगर कमर्शियल प्लॉट्स की बात की जाए तो इसमें बहुत कम कमर्शियल प्लॉट अभी अलॉट किए गए MDA की तरफ से। ज़्यादातर इसमें 2 से लेकर 25 सेक्टर्स हैं, उसमें रेजिडेंशियल प्लॉट अलॉट किए गए हैं। और आप लोगों को मैं क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ ये, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि हमारा कराची में प्लॉट हो, घर हो, और राइट नाउ ये इस वक्त समझें बहुत आइडियल लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है। यानी मैं अगर अपनी बात करूँ, प्रॉपरली मेरा काम DHS सिटी कराची का है, साइड बिजनेस आप MDA स्कीम 1 को कह सकते हैं बहरहाल, मगर MDA स्कीम 1 पे इस वक्त इतना फोकस है, हमने लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट कराई है यहाँ डिफेंस के लोगों की, क्योंकि डिफेंस के लोग एक ब्रॉड माइंडेड लोग होते हैं, उनकी एक प्लानिंग होती है, वो ये नहीं सोचते कि आज प्लॉट लेना है कल बेचना है, उनका 5-5, 10-10 साल का टेन्योर होता है, वो सोचते हैं। यानी कि हमने अब DHS सिटी में 2013 में जिन लोगों को प्लॉट लेके दिए थे तो वो भी यहीं थे, यहीं के लोग थे। कमर्शियल प्लॉट की बात करूँ तो उस वक्त 20-30 लाख का था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वही कमर्शियल 5-5 करोड़ का है। अच्छे टाइम पर अच्छा फैसला लेने से ये है कि आपका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट हो जाता है, आपके आने वाली नस्लों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, तो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। नो डाउट काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोजेक्ट को उस तरह से ग्रूम नहीं किया जितना इसको करना चाहिए था। बहरहाल आज की जो डेट है, आज 7 जून 2022 है, इस वक्त MDA स्कीम 1 की अगर स्टार्टिंग सेक्टर की बात करें 2, 9, 11 और 7, तो हर सेक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने 2018 से काम किया था आज 100% प्रॉफिट पे है। और इन चारों सेक्टरों में 2, 9, 11, 3 सेक्टर, इन चारों सेक्टरों में जो है कंस्ट्रक्शन भी आपको नज़र आएगी। 11 में मैं खुद कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, 2 में मेरे और दोस्तों ने कंस्ट्रक्शन की, 11 में आपने देखा हमारे एक दोस्त अजीम तफरी साहब ने कंस्ट्रक्शन की, उसकी मैंने व्लॉग्स डाली हुई हैं मेरे चैनल पे, तो इन सारे सेक्टर्स में कंस्ट्रक्शन हो गई है। अब लोग ये सोचते हैं कि यार अभी घर नहीं बने वहाँ पे, लोग फैमिलीज नहीं आई, फैमिलीज इसी तरह आएंगी जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होती जाएगी, जैसे जैसे लोग वहाँ ऑफिसेज, रियल एस्टेट के ऑफिसेज बनेंगे, क्योंकि किसी भी इलाके को, किसी भी सोसाइटी को आबाद करने के लिए उनकी बैकबोन का किरदार रियल एस्टेट एजेंट अदा करता है। तो जैसे जैसे वहाँ ऑफिस शिफ्ट होंगे हम लोगों के, इंशाल्लाह देन आप देखेंगे वहाँ आपको एक लाइफ नज़र आएगी, लोगों का रहना सहना नज़र आएगा। इस वक्त सेक्टर 9 की फेसिंग पे फार्म हाउसेज बने हुए हैं जो कि आबाद हैं, डेली की रूटीन में वहाँ बुकिंग पे लोग आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जा रहे हैं, और बेहतरीन किस्म के फार्म हाउसेज बने हुए हैं। राइट नाउ इस वक्त हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में क्या है, इसमें एक स्टार्टिंग के सेक्टर बता दिया आपको जिसमें 10 से 15 लाख रुपए का आपको जनरल लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है। अगर आप कैटेगरी पे जाएंगे तो 10%, 25% तक आपको एड ऑन करना पड़ेगा। और अगर बैक सेक्टर्स की बात कर लेते हैं 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, यहाँ आपको 3.5 लाख रुपये से लेके 100 गज का प्लॉट तक 5 लाख रुपये तक मिलेगा, और 200 गज के प्लॉट की अगर इन सेक्टर्स में बात करें तो तकरीबन आपको 4.5 लाख रुपये से लेके 7 लाख रुपये तक मिलेगा, 400 गज का 10 लाख से लेके 15 लाख तक मिलेगा। तो ये इन चारों सेक्टर की बात बता रहा हूँ, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है क्योंकि अभी एक कनेक्टिंग ब्रिज है 9 और 15 के बीच में जो नहीं बना हुआ, इसलिए हमें थोड़ा 9 से कच्चे की तरफ उतर के जाना पड़ता है, बाकी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर 25 तक कंप्लीट है। काफ़ी लोग डिसअपॉइंटेड हुए बीच में, रेट्स डाउन हो गए, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं बेसिकली ये टाइम होता है बाइंग का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनसर्टिनिटी देखी जा रही है मार्केट में, चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डाउन हुई हुई हैं, मगर थोड़ा सा बेहतरी की तरफ चीज़ जाएंगी, तो हर चीज़ महंगी हो रही है तो प्रॉपर्टी क्यों नहीं महंगी हुई, तो हर चीज़ का टाइम आता है। आज पेट्रोल महंगा हो रहा है तो प्रॉपर्टी भी महंगी होनी है, जब इस चीज़ टेन्योर से हम निकलेंगे देन उसकी तरफ लोगों का फोकस बढ़ेगा, यार ये चीज़ महंगी हो गई, ये अभी तक सस्ती क्यों है, तो लोग ऑटोमेटिकली उस तरफ इन्वेस्टमेंट के करने आएंगे। तो ये हर चीज़ का
टाइम पीरियड होता है। दूसरी बात, मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा इस वक्त डीजी एमडीए सोहेल खान साहब को, वो अपनी सीट पे आ चुके हैं और हम बहुत पॉजिटिव हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि माशाल्लाह वो एमडीए स्कीम वन के लिए बहुत एग्रेसिव हैं उसको चीज़ों को लेके। अभी कल भी वहाँ की एसोसिएशन जो है उसके हम खुद एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उनकी भी सोहेल खान साहब से मीटिंग हुई है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। आज की डेट में आप स्टार्टिंग के 2973 सेक्टर्स में प्लॉट लेके कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, वो किसी भी लोकेशन पे हो, ठीक है, इसमें कोई हर्डल नहीं है। मज़ीद इसमें कोई भी आपको सेल परचेज करनी हो, मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। एक बार फिर मैं आपको कहूँगा, बहुत अच्छी सोसाइटी है, अच्छा टाइम है, इन पैसों में आपको आपके गाँव में एक मरले का प्लॉट भी नहीं मिलता, जो यहाँ आपको 4 मरले या 8 मरले का प्लॉट मिल रहा है। तो सोचें, रिसर्च करें इस पे, देन आप इन्वेस्टमेंट करें। मज़ीद वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।